आज हम बात करेंगे, देखिए इस इन दोनों के बारे में, इसमें कितने फीचर है और क्या क्या ये सब काम करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास इंस्टा प्रो का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक दूंगा, आप लोग ये देखिए इस पर इजीली क्लिक करेंगे और ये आप लोग को डाउनलोड होने के पेज पर लेकर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को पहले डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो है आप लोग यहाँ से करेंगे। देखिए जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो आप लोग पुराना वर्जन जो भी रखे इंस्टा प्रो का वो डिलीट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे डाउनलोड नाउ लिखा रहता है, तो डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर लेंगे, तीन लिंक आएगी और उसमें सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए ये वाली, इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ सेकंड होंगे एपीके को रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, जब तक आप लोग चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंस्टा प्रो से रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी और जीबी व्हाट्सएप से भी। अभी ऑटोमेटिक मीडिया फायर का जो है पेज ओपन हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह। अब यहाँ पर ब्लू वाला जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एरिया, इस पर कहीं भी क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा ऑप्शन, देखिए नीचे में अभी यहाँ पर आएगा, देखिए ओके आएगा नहीं तो डाउनलोड, तो यहाँ डाउनलोड आया तो नीचे डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोडिंग फाइल डिटेल्स है। तो चल के देखते हैं हम, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, देखिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और स्पीड बढ़िया है वाईफाई की, तो तेज़ी से डाउनलोड हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड करना और क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर इंस्टा प्रो पे आ जाते हैं। अब मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में समझाता हूँ, देखिए अब पहले यहाँ पर हम फीड एंड स्टोरीज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो आप लोग देख रहे हैं प्ले फीड रील्स वीडियो डायरेक्टली, अगर इसे आप लोग एनेबल रखेंगे तो जो फीड और रील्स रहती है वो डायरेक्टली प्ले हो जाएगी। अगर इसे डिसेबल कर देंगे तो क्या बोलते हैं कुछ, देखिए जैसे मैंने इसे डिसेबल कर दिया, अब बैक करके आते हैं यहाँ पर, जैसे फीड पर आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर कोई भी वीडियो यहाँ पर देखिए, तो बीच में ये रहेगा, देखिए ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगी, ये आ जाएगा पॉज वाला जो आप लोग देखते हैं, ये इस तरह का कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है चालू नहीं होगी अगर आप लोग क्या बोलते हैं इसे एनेबल करेंगे तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एनेबल डिसेबल किया था, देखिए यहाँ पर मैंने अभी डिसेबल रखा है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं ऐसा, अगर मैं इसे एनेबल कर लूँगा तो ऑटोमेटिक जो है प्ले हो जाएगी, तो इसे प्ले रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोग देख रहे हैं स्टार्ट वीडियो डायरेक्टली विद साउंड, स्टार्ट डायरेक्टली वीडियो जो है स्टार्ट हो जाएगी साउंड के साथ में डायरेक्टली, अगर इसे एनेबल मतलब जैसे यहाँ पर एनेबल कर दिया मैंने तो यहाँ पर डायरेक्टली साउंड के साथ स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे देखिए प्ले स्टोरी ऑलवेज विद साउंड, मतलब हमेशा जो है स्टोरी साउंड प्ले हो साउंड के साथ, उसके लिए यहाँ पर एनेबल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर है डिसेबल स्टोरी ऑटो स्किप, ऑटो स्किप मतलब जैसे आप लोग स्टोरी देखते हैं तो अपने आप चेंज होते जाती है, चेंज होते जाती है, एक की ख़त्म हुई फिर दूसरी, या किसी ने चार पांच स्टोरी डाला है तो ऑटोमेटिक एक हो गई फिर दूसरी ओपन हो जाती है फिर तीसरी, तो उसको डिसेबल करने के लिए आप लोग इसको एनेबल कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। अब ये आप लोग समझ गए फीड एंड स्टोरी वाला फीचर। अब स्पेशल फीचर्स यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर आ जाते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है डिसेबल स्टोरीज ऊपर लिखा है, देख रहे आप लोग, तो मैं ये देखिए डिसेबल स्टोरीज है, इसे एनेबल कर देता हूँ। अब आइए जो स्टोरीज यहाँ पर रहती है, देखिए ऊपर में जो स्टोरी रहती है वो आप लोग को नहीं दिखेगी, देखिए यहाँ पर जो हम जिसे फॉलो करते हैं उसकी स्टोरी यहाँ पर हमें दिखती है और यहाँ पर हमारे डालने का ऑप्शन रहता है स्टोरी, तो यहाँ पर देखिए कुछ सब गायब हो जाएगा अगर आप लोग इसे एनेबल कर देंगे तो। यहाँ पर इसे क्या बोलते कर सकते आप लोग एनेबल। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, तो रिमूव लाइक, देखिए से नेक्स्ट वाला रिमूव लाइक पोस्ट फ्रॉम फीड, जिस पोस्ट को आप लोग ने लाइक कर चुके हैं उसको क्या बोलते फीड में से रिमूव कर दिया जाए, यानी जिसको लाइक कीजिए वो कर दिए हैं वो बार बार ना फीड में शो हो कि लाइक कर दो फिर शो होता है वो ना हो। और उसके बाद ये वाला फीचर देखिए डिसेबल एड्स, एड्स किसी का भी जो है बीच में आ जाता है वो सब ना आए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं एनेबल रखेंगे अब। उसके बाद यहाँ आ जाइए रिमूव सजेस्टेड पोस्ट, सजेस्टेड पोस्ट वो होते हैं दोस्तों जैसे कि वो क्या बोलते हैं जैसे आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो वो तब भी वो यहाँ पर शो करते हैं, ऐसे रिमूव आप लोग करना है तो इसे एनेबल कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। जैसे हम जानते भी नहीं है कई बार आ जाता है किसी का सजेस्टेड पोस्ट रहता है या किसी फ्रेंड का आ जाता है जिसे हम फॉलो भी करते हैं उसका अचानक से सजेस्टेड में आ जाता है, उसके लिए ये रिमूव कैरोसेल पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। कैरोसेल को आप लोग यहाँ पर एक तरफ से लगेज भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कैरोसेल पोस्ट टू फर्स्ट मीडिया पर देख रहे हैं, इसे आप लोग एनेबल कर देंगे जो
बहुत सारी पोस्टर आ जाती है आप लोग के उसमें फीड वगैरह में, यहाँ पर देखते होंगे आप लोग। तो ये एक तरफ से लगेज बोल सकते हैं इसको आप लोग। उसके बाद यहाँ पर ये जैसे रिमूव कैरोसेल पोस्ट यानी लगेज को, तो इसे आप लोग एनेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ देख रहे हैं रिमूव वीडियो पोस्ट रिड्यूस नेट यूसेज। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसे वीडियो पोस्ट रिड्यूस नेट यूसेज यहाँ पर देख रहे हैं इसे एनेबल कर देंगे। तो जो वीडियो पोस्ट होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है आप लोग देखते हैं आ जाते हैं, तो आप लोग को नेट जल्दी जल्दी ख़त्म रिड्यूस होता है। तो उसके लिए वाला फीचर है, ना हो करके देखिए यहाँ लिखा है रिड्यूस नेट यूसेज। तो इसे अगर आप लोग एनेबल कर देंगे तो जो वीडियो पोस्ट होते हैं वो सब यहाँ पर नहीं शो करेंगे। अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ उसके नीचे आया रिमूव सीन पोस्ट, यानी जो मैं पोस्ट को देख चुका हूँ उसको मैं फिर से दोबारा नहीं देखना चाहता, तो मैं यहाँ पर एनेबल कर दूँगा इसे। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर बचिए देखिए एक ये वाला है फीचर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, लोड लोएस्ट फोटो क्वालिटी रिड्यूस नेट यूसेज यहाँ पर देख रहे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे लोड लोएस्ट क्वालिटी में जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो एकदम क्या बोलते हैं लोएस्ट क्वालिटी में हो, और जो रिड्यूस नेट यूसेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं जैसे नेट ज़्यादा ही रिड्यूस हो रहा है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे भी सेम वही है, लोड लोएस्ट वीडियो क्वालिटी यानी सबसे कम होती है क्वालिटी होती है, जैसे 240p होती है, 144p, 360p होती है, तो और भी होती है। तो उसमें से सबसे कम यहाँ लोएस्ट लिखा है, लोड लोएस्ट वीडियो क्वालिटी रिड्यूस नेट यूसेज। तो नेट बचाने के लिए ये दोनों फीचर है आप लोग ये जो देख रहे हैं, ऊपर वाला फ़ोटो के लिए और नीचे वाला वीडियो के लिए। तो आप लोग चाहे तो नेट सेव करना चाहते हैं तो इसे एनेबल कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। और उसके बाद नीचे आ जाइए रिकमेंडेड फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर देख रहे रिकमेंडेड फ्रेंड यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं रिकमेंडेड फ्रेंड आप लोग को दिखे, यानी जिसको आप फॉलो करते हैं उस वो जिसे फॉलो करता है और आप उसे नहीं करते हैं, वो सब फ्रेंड जो होते हैं जैसे वो सब आप लोग को दिखाए ऐसा कभी कभार, तो आप लोग देखना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला फीचर को। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इसे इनेबल रखा है। उसके बाद नीचे देखिए डिसेबल शॉपिंग आइटम्स इन सर्च, जब भी आप लोग कुछ सर्च वर्च करते हैं सर्च में जाके तो क्या होता है शॉपिंग आइटम आ जाते हैं सर्च में, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग डिसेबल करने के लिए। तो यहाँ पर इसे इजीली एनेबल कर देंगे देखिए यहाँ से, तो एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है फ़ीचर इजीली समझ गए हैं। अगर नहीं समझे कोई फ़ीचर और कोई आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और इस पर क्या बोलते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना चुकी है, और इससे पहले मैंने ये चैट स्क्रीन बताया, ये बताया, फिर ये वाला बता दिया, फिर UI गेस्चर्स ये बता दिया मैंने, और भी धीरे धीरे सब बताऊँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यहाँ से नीचे के जो है बाकी बच गए हैं उससे उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को सभी फीचर्स अच्छे लगेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोज़ इस चैनल पर वीडियो देखने आते रहिए। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।